दुर्ग के धमदा नाका स्थित फ्लाई ओवर से अचानक ट्रक नीचे गिर गया, इससे मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं दुर्ग पुलिस ट्रक के मलबे को किनारे कर चालक की पतासाजी में जुट गई है। दुर्ग के बाईपास धमदा नाका फ्लाईओवर में रायपुर से नागपुर हाईवे रोड पर मोहन नगर थाना अंतर्गत अचानक फ्लाईओवर के ऊपर से ट्रक पलट गया, जहां ट्रक के नीचे गिरने से ट्रक चला रहे चालक की अंदर दबकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए ट्रक के भीतर से चालक के शव को बाहर निकाला और ट्रक को भी सीधा खड़ा कर किनारे लगवाया। इस दौरान फ्लाईओवर पर वाहनों का जाम लग गया, जिसे पुलिस ने किसी तरह यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित कराया। आपको बता दें कि रायपुर से होकर नागपुर की ओर मंगलवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे कर्नाटक पासिंग की स्टील रोल से लदी ट्रक जा रही थी। मोहन नगर थाना अंतर्गत फ्लाई ओवर पर चढ़ने के दौरान ऊपर से अचानक ट्रक पलट गई, इससे ट्रक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस मामले में एडिशनल एसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया है कि 16 चक्का ट्रक रायपुर से स्टील रोल एवं अन्य सामान लोड कर नागपुर होते हुए तेलंगाना की ओर जा रही थी। इस घटना में ट्रक चालक सुपैया तेलंगाना निवासी बताया गया है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ट्रक गिरने के दौरान चालक ने किसी तरह से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया, इससे लग रहा है कि उसे झपकी आ गई होगी और ट्रक अनियंत्रित हो गई होगी। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। रायपुर से नागपुर रोड में एक ट्रक है जिसमें रोल स्टील का जो रोल है वो लोड था, तो रायपुर से नागपुर की ओर जा रहा था और जैसे ही फ्लाईओवर चढ़ते हैं, चढ़ने के दौरान उसका डिसबैलेंस हुआ और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि चालक अकेला था और झपकी आने से, क्योंकि वो प्रयास भी नहीं किया है, कूदने का प्रयास नहीं किया है, स्टेयरिंग में ही था और उसको पलटने से उसमें वहाँ स्पॉट में ख़त्म हुआ है। और हम लोग तुरंत जैसे ही सूचना मिली है तुरंत हम लोग पहुँचे हैं, क्रेन के माध्यम से उसको बॉडी को भी निकाला गया है, ट्रक को भी सीधा किया गया है और रोड को क्लियर कराया गया है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।